गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वी आर बैक एंड आई होपफुली होपफुली विल बी डूइंग द लाइफ क्लियरली नाउ. सो लेट्स अनकॉक विद लवली गुप्ता विद नन अदर देन मिस्टर शोर अली खान. आई हेलो। एम सॉरी मिस्टर नो चार अली. हेलो नो सर, सर, हाउ आर यू? गुड वेरी इवनिंग गुड। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सॉरी, आई वाज नॉट वेरी मच सर. डू दिस थिंग एंड वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट Sir, व्हाट even हैपेंड। I'm sorry I took your name wrong by mistake because my mind also got puzzled because of so much of technical error here. यू टुक माय नेम रॉन्ग, Yeah, लाइक I व्हाट? added a Khan to your name. या आई एम शाहर अली खान। Okay, sir. So I take my sorry back. Take your story back, please. Sir, how are you? Very good. How are you doing? Lovely. Sir, It I'm very is well. lovely So talking to you. Lovely talking to you. Tell me. same here, sir. Same here, sir. First of all, there are so many fans joining in. So why don't you just give a big hello to all Hello, of them? everyone. How are you doing? Hope you guys are doing well. Please, आप लोग इंस्टाग्राम छोड़ के मत जाइएगा और हमारी बिल्कुल. स्टोरियां कहानियां सुनिएगा। और कुछ कमेंट्स हो या कुछ क्वेश्चन हो तो वो भी लिखिएगा कमेंट बॉक्स में ताकि हम मिस्टर शाहर अली को एक्चुअली ग्रिल कर अरे सके. नहीं, ग्रिल मत करिए। वैसे ही बॉम्बे में बहुत गर्मी हो रही है। बिल्कुल सर. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन या सर, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, फ्रॉम भोपाल टू मुंबई, फ्रॉम मॉडलिंग टू एक्टिंग एंड दैट टू अ ग्रेट एक्टर, सो हाउ डू यू लुक बैक टू योर जर्नी ऑफ मोर देन 20+ इयर्स? सो मेनी क्वेश्चंस यू आस्क्ड मी इन वन क्वेश्चन। सो फ्रॉम वेयर आई सर शुड दैट्स स्टार्ट? माय एक्चुअली जॉब. फ्रॉम वेयर शुड आई स्टार्ट? आई स्टार्ट फ्रॉम भोपाल टू मुंबई फर्स्ट। वेल, आई नेवर थॉट टू बी ए मॉडल। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई नेवर थॉट माई ड्रीम के आई एम गोइंग टू बी एन एक्टर और जर्नी थी मेरी। जो स्टार्टिंग में जो भोपाल से बॉम्बे आया था वो बहुत डिफिकल्ट जर्नी थी मेरी। वेरी डिफिकल्ट, यू नो। आई केम आई थिंक इन बॉम्बे इन 2000 और वो बारिश का टाइम था एंड इट वाज रेनिंग। आई वाज एट माय फ्रेंड्स हाउस गेटिंग डिप्रेस। आई डिडंट नो एनीवन हियर। आई डिडंट हैव एनी वर्क। तो मैं अपने घर को याद कर रहा था। फैमिली को पहली बार छोड़ा था मैंने। सो दैट जर्नी वाज वेरी डिफिकल्ट दैट टाइम। एंड देन या आफ्टर आई स्टार्टेड डूइंग वर्क तो बड़ा मजा आता है। इफ यू आस्क मी राइट नाउ द जर्नी इज ब्यूटिफुल। फ्रॉम भोपाल टू हेयर राइट नाउ जर्नी इज ब्यूटिफुल। देयर इज लॉट्स ऑफ अप एंड डाउन बट या इट वॉज गुड। नो कंप्लेन्ट्स। Sir, you have switched to industry from North, if I talk about Bollywood, and then you are also working phenomenally well in the Southern industry. Sir, is there any difference between the working style of the industries? देखिए, मैंने स्विच नहीं करा। स्विच नहीं बोलेंगे बिकॉज आई एम वर्किंग हेयर ऑल्सो इन बॉलीवुड एंड Okay, साउथ you work ऑल्सो। parallel, huh? या सो मैंने स्विच नहीं करा, लेकिन मैं जरूर कहूंगा कि मुझे बहुत ही मजा आ रहा है काम करने में। बिकॉज काइंड ऑफ रोल आई एम डूइंग इन साउथ, स्पेशली इन तेलुगु मूवीज, वो मुझे यहाँ पे करने को नहीं मिल रहे थे। एंड मैं एक एक्टर हूँ और मैं मेरा काम है एक्टिंग और मैं अच्छे रोल करना चाहता हूँ। तो जहाँ पे भी किसी भी इंडस्ट्री में काम मिलेगा मुझे, डेफिनेटली आई विल गो फॉर इट। सर डेफिनेटली. और अब तो ओटीटी का भी जमाना है, तो ओटीटी के बारे में आपका क्या कहना है? ओटीटी के लिए मैंने काम किया है। मैंने दो तीन वेब सीरीज की हैं जो कि अभी शूट एक का खत्म हुआ है, एक चल रही है। उनके बारे में कुछ ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा क्योंकि उन्होंने मुझे मना करा हुआ है अभी बात करने के लिए। तो लेकिन या ओटीटी का है, लेकिन काम बहुत बढ़ गया है। काम बहुत हो गया है सभी के लिए। जैसा कि कंपटीशन बड़ा है, एक्टर्स बड़े हैं, उसी हिसाब से काम भी बहुत ज्यादा हो गया लोगों के पास। तो अच्छी करेक्ट चीज है, अच्छा साइन सर. है ये। सर सर बैक देन आई वॉज सर्चिंग अबाउट यू. आई वॉज एक्चुअली डूइंग माई होमवर्क. आई गॉट टू नो कि आपको उस जमाने में 1998 में आपको अवार्ड मिला फॉर योर फिजिक सर, वन ऑफ द बेस्ट बॉडीज. सर उस समय उतनी अवेयरनेस नहीं थी, बट आज की डेट में सोशल मीडिया कह लीजिए या ओवरऑल लोगों को अपने आप में एक अवेयरनेस आ गई है. तो बैक देन हु वॉज योर इंस्पिरेशन? लाइक आप अपनी बॉडी पे उस वक्त इतना काम कैसे कर पाए? देखिए, उस टाइम पे जो फिजिक पे काम करना, बॉडी बनाना बहुत ही डिफिकल्ट था और बहुत ही मुश्किल था क्योंकि प्रोटीन शेक्स नहीं पता था हमें कुछ, ये सारी चीजें, विटामिन्स और ये एग्जैक्टली लेना है, बहुत सारी चीजें जो हमें नहीं पता था।
लेकिन आजकल का जमाना चेंज हो गया है, आजकल बहुत जल्दी लोग अपनी फिजिक को चेंज कर लेते हैं। लेकिन मुझे, आई वॉज स्पोर्ट्समैन, तो मैं हॉकी खेलता था, मैं क्रिकेट खेलता था, तो मैं स्विमिंग करता था, हॉर्स राइडिंग करता, बहुत सारी चीजें करता था। तो उस टाइम पे मेरी जो फिजिक थी बहुत ही एथलेटिक थी, तो मैंने वर्कआउट स्टार्ट किया था तो जो फिजिक थी वो बहुत जल्दी बन गई थी मेरी। लेकिन आजकल जमाना चेंज हो गया है, आजकल इतनी सारी चीजें आ गई हैं मार्केट के अंदर कि आप एक 3-4 महीने में बॉडी बना लेते हैं, और उस वक्त आपको टाइम लगता था तकरीबन 4 या 5 साल बॉडी बनाने में। लेकिन जो उस टाइम पे बॉडी जो वो ऑर्गेनिक बॉडी थी, उसमें आपके कोई केमिकल नहीं थे, कोई इस तरह की चीजें नहीं थी उस टाइम। मेरे पूछने का यही वजह थी बिकॉज अभी के मिथ्स बहुत ज्यादा हो गए. कोई एक पर्टिकुलर डाइट फॉलो कर रहा है तो एक होड हो जाता है, एक हर्ड हो जाती है जो उसको फॉलो करती है. करेक्ट सर, करेक्ट करेक्ट नेचुरली नेचुरली अपने बॉडी को ग्रो करना या फिर सप्लीमेंट्स के द्वारा अपने बॉडी को चेंज करना, डेफिनेटली कुछ तो फर्क होगा और साइड इफेक्ट्स भी डेफिनेटली होंगे. डेफिनेटली साइड इफेक्ट्स हैं। आप आजकल अगर देख रहे हैं तो लोगों की किडनीज की प्रॉब्लम होता रही है, लिवर की प्रॉब्लम्स हैं। आप देख रहे हैं कि लोगों को जिम के अंदर हार्ट अटैक्स आ जाते हैं, हार्ट फेलियर हो रहा बिल्कुल है लोगों के बिल्कुल. जिम के अंदर, तो उसका कुछ ना कुछ तो इफेक्ट्स होंगे। और डेफिनेटली मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट्स उसके डेफिनेटली होंगे। लेकिन क्या है कि आप, ये जमाना ऐसा है, इतना जल्दी इतना फास्ट भाग रहा है, तो आपको उसके साथ चलना भी बहुत जरूरी होता है। सर, आपने 20+ इयर्स से इस इंडस्ट्री में आप रहे हो, और अगर आप अपनी पहले के काम को देखें और अभी के काम को देखें तो आपको भी डेफिनेटली दिखता होगा कि मुझ में कितने सारे चेंजेस आए एज अ ओवरऑल पर्सनालिटी, नॉट ओनली ऑन बॉडी वाइज. सर, यंगस्टर्स के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा कि अगर अपने ऊपर काम किया जाए तो इंसान टोटली चेंज हो सकता है, 360 डिग्री पूरा चेंज ला सकता है अपने पर्सनैलिटी में? डेफिनेटली अगर आप में पैशन है और आप में लगन है, ईमानदारी है काम करने के लिए, तो आप डेफिनेटली सारी चीजें सीखी जा सकती हैं। आपको एक्टिंग नहीं आती तो आजकल इतने सारे स्कूल्स हैं, क्लासेस हैं, इतनी सारी आपकी ऑनलाइन क्लासेस हैं, आप वो कर सकते हैं। हमारे टाइम पे नहीं था जब हम स्टार्ट कर रहे थे, तो ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं। और आपकी फिजिक अच्छी नहीं है तो आप उसको, फिजिक को भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन मैं बोलना चाहूंगा कि सिर्फ और सिर्फ आपके फिजिक पे काम करेंगे तो इतना आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से आपको ओवरऑल अपने ऊपर काम करना चाहिए, अपनी ग्रूमिंग करनी चाहिए, और बहुत सारी चीजें सीखने के लिए आजकल इतने ऑप्शंस हैं, इतने मतलब लाइफ इतनी इजी हो गई है आजकल के आपको मैं बता नहीं सकता। लेकिन मैं बताऊंगा कि हमारे जो, मैंने जब मॉडलिंग स्टार्ट करी थी तो उस टाइम पे क्या कॉम्पिटिशन इतना नहीं था, तो अगर कोई फिजिक वाले लोग होते थे तो वो 2-3 लोग होते थे। लेकिन अगर आज की डेट में आप अगर देखेंगी तो इतना कंपटीशन हो गया है और हर लड़के की फिजिक अच्छी है, तो उसके अंदर आपको निकल के बाहर आना है। उसके लिए आपको एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीजें सीखनी पड़ेंगी, आपको पब्लिक से अलग होना पड़ेगा। आप को चांस क्या है यहाँ पे, ज्यादा चांस नहीं मिलते, 1-2 चांस मिलते हैं। अगर वो 1-2 चांस में आपने अगर सिक्स नहीं मारा तो आप फिर पीछे रह जाएंगे। सर, ये तो आपकी मॉडेस्टी बोल रही है कि उस वक्त इतना कंपटीशन नहीं था. कंपटीशन तो हर लेवल पे, हर जॉनरा में रहता है. ये आपकी मॉडेस्टी है जो आप कह रहे हो कि उस समय इतना कंपटीशन नहीं था सर. बट फिर भी जीरो से स्टार्ट करना, कोई इंडस्ट्री में गॉडफादर नहीं होना, और फिर मैंने इसीलिए आपसे ये क्वेश्चन पूछा था इसके पहले, एंड देन शेयरिंग द स्क्रीन विथ शाहरुख खान, विथ योर अर्जुन रामपाल जो आपके तरह ही मॉडलिंग के बाद आए हैं एक्टिंग में, और फिर सलमान खान, तो ये बहुत बड़ी बात है. एंड प्लस आप फेस टू फेस करो, ये नहीं कि आपकी कोई साइड कैरेक्टर है, आप 1-to-1 कर रहे हो इन बिग नेम्स के साथ. तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे, उसका क्रेडिट देखिए या उसका मेहनत क्या है? देखिए वो मैं अपने आप को उसके लिए थैंक यू बोलना चाहूंगा और सारा क्रेडिट मैं अपने आप को देना चाहूंगा, क्योंकि जैसा आपने कहा कि आपका कोई गॉडफादर नहीं था। तो लेकिन आपको मैं एक बात बोलता हूँ कि जो मजा आप जब स्ट्रगल करके आते हैं और जब आप एक छोटे से टाउन से आते हैं और इस बॉम्बे शहर में आके अपना नाम बनाते हैं और इतने बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम करते हैं, तो उसका जो मजा आता है ना, मुझे नहीं लगता कि वो जिनके गॉडफादर हैं और जिनके फादर हैं जो भी हैं उनकी वजह से उनको ये मजा, जो मैं मजा टेस्ट करा है, जो मुझे आता है, शायद उन लोगों को इस मजे के बारे में पता भी नहीं होगा। तो आई थिंक इसका मजा इसी में है। स्ट्रगल करने के बाद आप जब कुछ चीजें अचीव करते हैं तो वो एक अलग ही चीज होती है, उसका मजा भी अलग होता है, और आप अपने आप के ऊपर एक प्राउड फील करते हैं कि यार देखो आज जो भी कुछ भी मैंने किया है उसका क्रेडिट सिर्फ अपने बलबूते पे. जाता है। अपने माँ बाप की दुआएं होती हैं, आपकी आपके अच्छे कर्म भी होते हैं उसके अंदर।
सर आपने कहा कि बहुत स्ट्रगल भी होता है, बहुत मेहनत भी होती है. सब अच्छी अच्छी बात हम स्क्रीन पे देख पाते हैं या इंटरव्यूज में आप लोग से जान पाते हैं, बट कुछ ऐसा स्ट्रगल जो आपके दिल को छुआ हो पर उसको भी आपने ओवरकम किया हो, कुछ ऐसी पुरानी याद है आज भी आपके जहन में जिसे आप शायद चाह के भी ना भूल सके स्ट्रगल देखिए, पीरियड के दौरान? स्ट्रगल ऐसा था कि मैं पहली बार बॉम्बे आया था, उससे पहले मैं बॉम्बे नहीं आया था। और सडनली मेरे पास कुछ था नहीं भोपाल में करने को, तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी कि मैं भोपाल वापस जाके, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं था कि मैं वापस जाके अपने फादर का बिजनेस करूंगा या मेरा खुद का कुछ, भी कुछ नहीं था प्लान बी। मेरे पास सिर्फ प्लान ए था और मैंने उसी पे काम किया। और उसके दौरान मुझे काफी तकलीफें हुई, काफी इस बॉम्बे शहर को पहचानने में बहुत तकलीफ हुई, क्योंकि आप भोपाल शहर से जब यहाँ आते हैं, वो भी भोपाल आज का नहीं बता रहा मैं, आज तो भोपाल भी बॉम्बे की तरह ही है। 20 साल पहले बॉम्बे से लोग नहीं आ भोपाल से नहीं आते थे बॉम्बे, इतने सारे लोग नहीं आए थे उससे पहले। तो जो बॉम्बे शहर को जो पहचानने में स्ट्रगल हुई, उसके बाद रिजेक्शन बहुत सारे हुए मेरे। कहीं पे ऑडिशन देने जाता था, वहां पे रिजेक्ट, क्योंकि इस तरह के फेसेस उस टाइम पे नहीं चल रहे थे कमर्शियली। फैशन में चल रहे थे लेकिन कमर्शियली नहीं चल रहे थे। मैं कमर्शियल बहुत सारे म्यूजिक वीडियोस के लिए मैं शॉर्टलिस्ट हुआ लेकिन मेरा नहीं हो पाया, तो मुझे बड़ा अफसोस होता था कि वो दूसरे लोग कर रहे हैं, वो म्यूजिक वीडियो इतने बड़े बड़े हिट हो गए जिनमें मैं नहीं था। लेकिन उन चीजों ने मुझे और स्ट्रांग बनाया, और मैंने सोचा नहीं, इसी फेस को, इसी फिजिक को ही मुझे, इसी में सक्सेस पानी है। मेरे पास प्लान बी नहीं था, वो एक बहुत अच्छी बात थी। तो मैं कुछ पीछे नहीं सोच रहा था, मैं सिर्फ आगे जाने का ही सोच रहा था। लेकिन इट कुछ वाज याद लाइक करो या ऐसी मरो. ऐसी यादें नहीं है कि मैं कहूं कि मैं उनको भूल नहीं पा रहा। यादें जो हैं बड़ी खूबसूरत यादें हैं, जो खराब यादें हैं भी, वो भी मुझे बड़ा मजा आता है सोच सोच के उनके बारे में। मैं एक दोस्त के साथ पीजी रहता था और एक छोटे से रूम में मैं बाहर रहता था। आज मेरे पास अपना खुद का घर है, तो एक बहुत बड़ा चेंज आया लाइफ के अंदर। तो वो, लेकिन वो जो पीजी रहते थे उसका भी एक अलग मजा था, बहुत मजा, उसको भी मैंने एंजॉय किया। सर आपने कहा कि ये फेस उस समय डिमांड में नहीं था या फिजिक जी उस समय ये कमर्शियली डिमांड में नहीं थी, बट फिर इतनी बड़ी कमर्शियल हिट ओम शांति ओम में आपने खुद को ही प्ले किया और प्लस अर्जुन रामपाल को भी वो किया, प्ले किया कैरेक्टर उनका. दे शायद मुझे इसीलिए उन्होंने बुलाया था फरह मैडम ने, हाँ कि मैं थोड़ा अर्जुन रामपाल की तरह दिखता हूँ, तो ये वो रोल शावर बहुत अच्छा करेगा। लेकिन जब मैं सेट पे मिलने गया तो शाहरुख भाई अपनी वैनिटी में ले गया, और मुझे आधा घंटे तक उन्होंने इतना समझाया और इतने ऑनेस्टली बोला कि शावर, इस रोल से तुम्हारा कुछ नुकसान नहीं होगा, लेकिन मैं तुम्हें ये भी नहीं बोल रहा कि तुम्हारा फायदा होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम ये करो। अब जब शाहरुख खान ऐसे बैठे एंड हैं वो मल्टी सामने, स्टारर मूवी थी वो. जी, और जब शाहरुख खान सामने बैठे हैं आपके और वो ये चीज बोल रहा है, तो शायद मुझे नहीं लगता कि कोई भी मना करेगा उनके साथ काम करने के लिए। और आपने एक इंटरव्यू में कहा कि आप सलमान खान के घर भी गए और वहां पे भी आपकी मेहमान नवाजी बहुत ही खूब हुई. सलमान भाई एक्चुअली मुझे बहुत पसंद करते हैं, एंड उनसे 2-3 बार, मतलब कई बार मुलाकातें हुई हैं। 2 बार मैंने उनके साथ काम किया, एक राधे में काम किया, एक मैंने टीवी कमर्शियल करा भी रिसेंटली उनके साथ, जूपी का। तो लेकिन मैं उनसे मिला बहुत हूँ, सलमान भाई के घर भी गया हूँ मैं, वहां पे खाना भी खाया, सलमान भाई के सेट पे भी गया, उनके साथ खाना खाया बहुत बार, और हम लोग बाहर भी एक दो अवार्ड फंक्शन में गए हैं साथ में। और मैं सलमान भाई को बहुत पसंद करता हूँ, सलमान भाई मुझे बहुत पसंद करते हैं, लेकिन मैं आज तक सलमान भाई से काम के लिए नहीं बोलता। उनको पता है कि मैं काम करना चाहता हूँ, और मुझे अच्छा भी नहीं लगता काम के बारे में बोलना, लेकिन हाँ मुझे पता है सलमान भाई मुझे पसंद करते हैं। सर उनके बर्थडे में भी आपने एक बड़ा पोस्ट लिखा था, एक ग्रेटिट्यूड पोस्ट दिया था उनके बर्थडे में भी जी जी लास्ट जी दिसंबर. मैं हमेशा उनके बर्थडे पे उनको विश करता हूँ, और जहाँ पे भी एक आध साल में एक दो बार हम लोगों की मुलाकात हो जाती है और हमारी खूब सारी बातें होती हैं, क्योंकि वो इंदौर से हैं, मैं भोपाल से हूँ, और उनके भी काफी रिश्तेदार जो मेरे पहचान के हैं वो भोपाल में रहते हैं। तो एक्चुअली जो हम मिलते हैं, बातें जो होती हैं हमारी, वो भोपाल के बारे में, मध्य प्रदेश के बारे में होती हैं, फिल्मों के बारे में नहीं होती, लेकिन डेफिनेटली भोपाल के, इंदौर के बारे में बातें होती हैं। सर आप नेक्स्ट टाइम जब आप उन्हें विश विश करें तो आप मुझे भी विश कीजिएगा, बिकॉज आई शेयर माय बर्थडे विद सलमान खान, क्या बात कर रहे सो हैं मैं आप, अरे लाइव वाह, लाइव ऑन रिकॉर्ड डेफिनेटली। बोल रही हूँ आपको. अगर मैं उनकी बर्थडे पे उनके साथ रहा तो आई विल मेक श्योर कि मैं आपको फोन लगाऊंगा और मैं उनकी बात कराऊंगा, अगर कोशिश करूँ, अगर मैं बिल्कुल रहा तो। बिल्कुल प्रॉमिस नहीं बिल्कुल कर रहा सर, मैं आपसे। डेफिनेटली बिल्कुल. सर अब प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बहुत बात हो गई, अगर आपकी पर्सनल निजी लाइफ के बारे में बात की जाए तो हाउ अ डे इज लाइक इन योर लाइफ, लाइक आपका आपकी दिन की शुरुआत क्या रहती है, पूरे दिन शूट्स के अलावा क्या करना पसंद करते हो आप?
देखिए, मैं सुबह अगर मैं कुछ काम नहीं कर रहा और मेरे पास दिन भर फ्री है तो सुबह उठता हूँ, मैं एक ब्लैक कॉफी पीता हूँ, उसके बाद योगा मैट बिछाता हूँ, उस पर स्ट्रेचिंग करता हूँ 1-1.5 घंटा। उसके बाद मैं एक हिंदी न्यूज़पेपर लेता हूँ, हिंदी न्यूज़पेपर को बहुत तेज तेज पढ़ने की कोशिश करता हूँ, और फिर मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ, ब्रेकफास्ट के बाद मैं फिर एक और कॉफी पीता हूँ, और फिर मैं जिम चला जाता हूँ, 2-3 घंटे तक जिम में रहता हूँ, फिर अपने दोस्तों से मिलने जाता हूँ, फिल्म देखने जाता हूँ। संडे अगर है तो एक हमारी यहाँ पे क्रिकेट टीम है, सारे एक्टर्स हैं, जो कभी कभी वो लोग क्रिकेट मैच खेलते हैं तो हम भी उनके साथ क्रिकेट मैच खेल लेते हैं। तो यही है लाइफ। और सीरीज देखता हूँ मैं बहुत सारी आजकल, तो आपके पास इतना ऑप्शन है देखने के लिए, तो और मेरे मुझे बड़ा मजा आता है देखने में, तो मैं सीरीज देखता हूँ, फिल्म देखता हूँ, बहुत सारी चीजें करने को, सॉल कीप माई सेल्फ बिजी। सर कभी भोपाल जाते तो वहां क्या करते हैं? भोपाल में बहुत सारी चीजें हैं, भोपाल में मेरा फार्म है और मैं ज्यादातर भोपाल शहर में तो शायद 1-2 दिन रुकता हूँ फैमिली के साथ, लेकिन मैं उसके बाद फार्म पे चला जाता हूँ। फार्म पे, वहाँ पे बहुत सारी, बहुत बिजी रहता हूँ फार्म पे मैं। एग्रीकल्चर फार्म है, ऑर्गेनिक फार्म है मेरा, वहाँ पे मैं, मुझे बहुत सारी चीजें हैं करने की। वहाँ पे मेरे डॉग्स हैं, अराउंड 6-7 डॉग्स हैं मेरे, एक हॉर्स है मेरे पास, तो ये सारी चीजें हैं वहाँ पे। मैं आई लाइक एनिमल्स, तो मुझे वो बहुत पसंद है, और नेचर मुझे बहुत पसंद है, मुझे वहां जाके बहुत सुकून मिलता है और मुझे बड़ा अच्छा लगता है वहां पे। तो मैं अपना खाली वक्त जो होता है, अगर मैं बॉम्बे में शूटिंग नहीं कर रहा तो मैं यहाँ पे नहीं रहता, मैं भोपाल चला जाता हूँ। सर आपके आने वाले कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए, अगर आप बात कर सके तो। एक, जैसा कि पता होगा आपको, मैं और तरुण एक पिक्चर कर रहे हैं चिरंजीवी सर के साथ, तेलुगु पिक्चर है। बिल्कुल। एक मेरी नेटफ्लिक्स की सीरीज रेडी है, वो भी तेलुगु है। एक मैं कनाडा पिक्चर कर रहा हूँ, जो कि उसका 50% काम हो गया। और मेरी 2-3-4 चीजें यहाँ पे जो रिलीज होने वाली हैं, कोविड की वजह से 2 चीजें जो रिलीज नहीं होती, वी आर ट्राइंग टू रिलीज दैट ऑल्सो, तो वो चीजें हैं, चल रही हैं। और एक तेलुगु पिक्चर और साइन की है मैंने, जो कि अगले महीने से उसकी शूटिंग स्टार्ट होगी। सर हिंदी मूवीज या हिंदी ओटीटी में? हिंदी ओटीटीज की डेफिनेटली बातें चल रही हैं और मैं कर भी रहा हूँ, एक मैंने खत्म भी की है। शॉर्ट फिल्म्स मैंने 3-4 की हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग है वो हैं। और हिंदी पिक्चर देखिए, हिंदी पिक्चर में तो आता तो है, लेकिन जो मैं करना चाहता हूँ वो नहीं मिल रहा डेफिनेटली। जो मुझे साउथ में काम मिल रहा है, आई एम वेरी हैप्पी, मुझे वहाँ बहुत मजा आ रहा है काम करके। उस तरह का अगर कुछ मुझे यहाँ पे मिलेगा तो डेफिनेटली आई विल डू इट, हिंदी पिक्चर में उस तरह बिल्कुल आगे करूंगा, लेकिन मैं कोई ऐसी पिक्चर नहीं करूंगा जिसमें कि मुझे एक दो कुछ समझ ही नहीं आया कि मैंने करा क्या है मेरे सर, बिफोर आई सर बोलिए। बिल्कुल। मतलब दिल को सुकून मिलना चाहिए। आप जब काम करके आए घर पे, आपको नींद आना चाहिए, ऐसा नहीं लगे कि आप क्या करके आ गए। तो मैं वही करूंगा जो मुझे अच्छा लगेगा। बिल्कुल सर, इट्स टाइम टू रैप, एंड बिफोर आई रैप आपके आपका क्या मैसेज होगा आपके फैंस को, या इन जनरल सारे व्यूवर्स को क्या मैसेज होगा आपका? कीप योर सेल्फ हेल्दी, और अच्छा खाना खाइए, अच्छी एक्सरसाइज करिए, अपने माँ बाप का ख्याल रखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, दैट्स ऑल। डेफिनेटली सर, बिफोर बिफोर आई रैप द शो, सर आपको बहुत बहुत थैंक धन्यवाद यू कि सो आप मच, थैंक इसमें यू सो जुड़े। मच, इतने थैंक यू। टेक्निकल प्रॉब्लम होने के बाद भी आपने जी रीइंस्टॉल किया और फिर से क्विकली जी जी वापस ज्वाइन बैक किया। हाँ जी जी एंड जी मिस्टर तरुण अरोरा, गुड इवनिंग, आपने अभी ज्वाइन किया है, गुड इनको इवनिंग। इनको लाइव लीजिए, एंड तरुण को जरा, बिल्कुल तरुण जी, बिल्कुल आइए। तरुण लाइव आओ जल्दी। आई नो एंड ही मस्ट बी बिजी, आई थिंक ही इज शूटिंग। एंड तरुण जी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम ज्वाइनिंग हिम टुमारो। मैं आपके बारे में अभी बात कर रही करने जा रही थी तरुण जी, कि आप और शार अली जी, आप आपने दोनों बात करी बहुत ही करी नहीं थी करने ही, मैं आपने, जा रही थी है उतने में वे ना। उन्होंने वो आ गए, ऐड नहीं हो हेलो रहे। तरुण, हाँ हो गए हेलो हेलो सर, हाउ आर हेलो, यू आई एम गुड, आई एम गुड, लवली, नाइस टू सी यू, नाइस टू सी यू एंड सर, आई लव योर सर, आई लव योर शर्ट। ओ थैंक यू सो मच, वी दिस ऑलवेज, हाउ दिस इज योर ओन शर्ट तरुण, लवली शावर, नाइस इंटरव्यू, लवली व्यू थैंक यू, दिस इज योर ओन शर्ट सर, तरुण। ऑल मैं शूटिंग में बिजी हूँ, अपने वैनिटी में बैठ के तो आप लोगों को सुन रहा हूँ। सर थैंक यू तरुण, टेक
टू ऑल माई व्यूवर्स अराउंड 900 जो अभी है उनको मैं बता दूं, मिस्टर शार अली का जो ये इंटरव्यू हो रहा है इसका सारा क्रेडिट जाता है मिस्टर तरुण अरोड़ा जी को। ये बात का प्रूफ यहीं पर है, एंड किसी को भी डाउट हो तो शार अली जी से पूछ लीजिए, मैं झूठ नहीं बोल बिल्कुल, रही। बिल्कुल बिल्कुल, तरुण को क्रेडिट बहुत जाता है, तरुण को मेरी लाइफ में भी बहुत सारा क्रेडिट जाता है। बट आई एम गोइंग टू शूट विद हिम टुमारो, आई एम गोइंग टू मीट हिम टुमारो। यस, ही इज कमिंग बैक, ही इज शूटिंग द सेम फिल्म, वी विल बी देयर टुमारो एंड लवली, एक्चुअली वेरी नाइस, एंड आई एम ऑलवेज टू हेल्प यू इन व्हाटएवर आई कैन, and I wish you our all the best, and I look forward to see you. Thank you, sir. He is one of my oldest friend. Yeah, look here, so iske liye you're getting to see my new look for the film. Sir, I already saw on your story, someone has written wish Sola does to hunk on screen, and what about me? you are beauty. You're the sweetest anchor I've ever seen, and you are doing a good job. Yeah, she's very sweet and बहुत ही अच्छा लगा आपके साथ बात करके. Thank you, sir. Sir, I'll be traveling in Hyderabad and I'll be meeting you both very soon. I'll tell you when. Sure. Take care. Please. God. Bye. Take care, Tarun. Thank you, sir. See you tomorrow, brother. See you. Thank you. So that was a really great wrap for the show. And Mr. Ali, thank you so much for joining me also. You're welcome. Thank you so much. Sir. God bless you. Thank Lovely you, talking sir. To you. Take care. Bye-bye. Same here, sir. Thank so you, I sir. Can exit now? Yes, sir. Thank you. Thank you. Bye-bye. सर, मिस्टर शाह अली खान हमारे साथ थे, और साथ ही साथ थे मिस्टर तरुण अरोरा, माय वेरी फेवरेट। तो आज का ये एपिसोड डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा लगा होगा, अगर नहीं अच्छा लगा हो तो वो भी बताइएगा, अच्छा लगा हो तो भी बताइएगा। एंड ये एपिसोड अगर आपने मिस कर दिया हो स्टार्टिंग से, तो दिस विल बी अपलोडेड ऑन द यूट्यूब विद इन अ डे और टू। कीप वॉचिंग माई एपिसोड माई लाइफ टिल वी मीट नेक्स्ट अगेन ऑन अ फ्रेश एपिसोड ऑफ लेट्स अनकॉक विद लवली गुप्ता। गुड बाय फॉर नाउ।